हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सपोज करते हैं कि आपके किसी दोस्त ने कोई भटूरे छोले की दुकान खोली है और वो अपने सारे फ्रेंड्स को कह रहा है कि आओ भाई मेरे शॉप पे आओ, हमें भटूरे छोले खाओ। आप सबको तो बुला रहे खाने के लिए, आप सबको सर्व भी कर रहे हैं और वो खुद भटूरे छोले नहीं अपने खा रहा, तो आपको क्या लगेगा? इस भटूरे छोले में कुछ प्रॉब्लम है, वो इसलिए नहीं खा रहा या कोई और रीजन है? आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर जरूर बताना। बहुत लोग होंगे उनको लगेगा क्या इसके भटूरे छोले में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये बाकी को तो खिलाया जा रहा है, खुद खा नहीं रही है। तो इस एक्ट के बाद आपके दिमाग में उस भटूरे छोले के लिए एक नेगेटिव इमेज बनने लग जाएगी कि भाई ये बाकी को तो देता है, खुद नहीं खाता। कि कभी भी आया कोई हलवाई अपना खुद का खाना ही नहीं खाया, लोग कहते हैं इसका खाना ही बेकार है, हमने भी इसके पास नहीं जाना, ये खुद नहीं खाता तो हम ही नहीं जाने वाले। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉयज ही आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, तो कोई नहीं आने वाला आपके शॉप पे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप किसी स्टोर पर कुछ सामान लेने जाते हो, वहां का कोई सेल्समैन है, उसको पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या है। आप उससे पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, कैसे इसकी चीजें हैं, उसको कुछ नहीं पता, बस खाली बैठा हुआ है कि देख लो भाई आपका जो देखना है देख लो, लेने लो नहीं लेना ना लो। तो बहुत लोग होंगे कहेंगे यार हमने तो लेना ही नहीं इसका प्रोडक्ट, इसका सेल्समैन ही बहुत बेकार है। एक बार क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिसर्च करी जिससे पता चला 76% लोग या तो बेकार कस्टमर सर्विस की वजह से या बेकार सेल्समैन की वजह से या तो प्रोडक्ट लेते ही नहीं है या अगर वो लेते भी हैं तो अपनी परचेज को वो डिले कर देते हैं। तो अगर आपकी कोई ब्रांड है, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके साथ ऐसा हो, तो इस सारी प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व कर सकती है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है जब अपने एम्प्लॉयज के साथ मार्केटिंग करते हैं। जैसे हमारा कोई एक्सटर्नल कंज्यूमर है, हम उसको अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए दें कि ये लो ये प्रोडक्ट पहले टेस्ट कर लो, अगर आपको ये प्रोडक्ट सही लगता है तभी इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, या अपने एम्प्लॉयज से फीडबैक लेके हम प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम अपने एम्प्लॉयज के साथ मार्केटिंग करेंगे वो सारा कुछ आएगा इंटरनल मार्केटिंग के अंदर। इंटरनल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना। कई कंपनीज होती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करती हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कि हमारे एम्प्लॉयज सबसे पहले सेटिस्फाइड होने चाहिए, उसके बाद ही जाके हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकता है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात लेके चलूं तो हमारी जो टाटा ब्रांड है वो अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन पे बहुत काम करती है। वो एकदम ये देखती है कि यार हमारा एम्प्लॉय हमेशा खुश रहना चाहिए, वो हम उनसे काम जरूर करवाएंगे और उसकी बाकी जो हमारे इंसेंटिव्स है, उसकी कोई कभी ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, कभी उसको बोनस दे दिया, हम इन सब में ही पूरा फोकस करेंगे कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ खुशी से काम कर रहा है। जैसे अगर आप कभी किसी शॉप पे जाओ, कोई सेल्समैन है वो आपको एकदम स्माइल करके नमस्ते बोल रहा है और कोई दूसरा सेल्समैन है वो अपनी सीट से भी नहीं उठ रहा, तो आप अगर पहले वाले सेल्समैन के पास जाओगे तो आप भी एकदम खुश हो जाते हो कि ठीक है यार एटलीस्ट ये बंदा तो अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सेल्समैन हो गए या हमारे कस्टमर केयर वाले बंदे हो गए, उन सबको हमें बहुत ज़्यादा खुश रखना है। इसमें जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बढ़िया वर्क कल्चर मेंटेन करना। जैसे अगर मैं गूगल की बात लेके चलूँ तो गूगल कहता है आपको मैंने काम दे दिया, अगर आपको एक काम करने के बीच में कोई ब्रेक चाहिए तो आप नीचे जाकर कोई गेम भी खेल के आ सकते हो, मेरे को बाद में रिजल्ट्स दे देना। ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको पूरे जॉब के टाइम के बीच अपनी सीट पे बैठे ही रहना। गूगल ने एक बहुत बढ़िया वर्क कल्चर क्रिएट करा हुआ है। वर्क कल्चर हमेशा आता है टॉप से। अगर कंपनी का सीईओ, उसका जनरल मैनेजर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, तो वही वर्क कल्चर उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता है। जैसे अगर मैं स्टीव जॉब्स की बात करके चलूँ तो स्टीव जॉब्स बहुत इनोवेटिव थे, इसलिए जो उनके एम्प्लॉयज थे वो भी इनोवेटिव सोचते थे। वो कहते थे चाहे मैं कुछ अपनी लिमिट्स पुश करूंगा बट जो मैं प्रोडक्ट क्रिएट करना है हमें वो ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो आज तक लोगों ने देखा नहीं। इसका जो हमारा अगला कॉम्पोनेंट है वो है एम्प्लॉयज को अपने प्रोडक्ट टेस्ट कराना और उनको अपने प्रोडक्ट गिफ्ट करना। जैसे सपोज आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी आपको उस डिस्काउंटेड रेट पर प्रोडक्ट दे रही है या आपको अपना प्रोडक्ट फ्री में दे रही है टेस्ट करने के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करोगे, उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ही बताओगे कि देखो यार कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो मेरे एक फ्रेंड है जो एलजी के अंदर काम करते हैं। एलजी वालों ने उनको ऐसा ऑफर दिया हुआ है कि आप पूरे ईयर के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट एलजी का 50% डिस्काउंट में ले सकते हो। तो सपोज उसके घर की कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, उसको कोई टीवी लेना है, तो आपको क्या लगता है किस ब्रांड का लेगा? वो सैमसंग का टीवी लेगा या एलजी का टीवी लेगा? ऑब्वियसली बात है वो कहेगा भाई मैं एलजी की टीवी लेता हूँ, मेरे को 50% ऑफ मिल रहा है। फिर जब उसके दोस्त उसके घर आएंगे वो देखेंगे कि वो एल जी का टीवी यूज़ कर रहा है, तो वो बंदा अपने दोस्तों को कह सकता है कि मैं आपको भी कुछ डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, मे बी आपको भी मैं 10-15% का डिस्काउंट दिलवा दूँ अगर आप एल जी का ही प्रोडक्ट ले। तो कहेंगे ठीक है भाई हम भी एल जी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जो उसका एम्प्लॉयज है, उसके एम्प्लॉय की पूरी फैमिली है, उसकी फ्रेंड्स है, वो सारे के सारे एल जी का प्रोडक्ट लेने लग जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, एल जी की सेल्स बढ़ रही है। वो ऑब्वियसली जो अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन फिर भी कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें एलजी को प्रॉफिट भी हो रहा है, उसकी सेल्स भी बढ़ रही है
और जो उस एम्प्लॉय की फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं वो सारे भी लोग खुश हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं जियो का एग्जाम्पल लेके चलूँ तो जब जियो इंडिया में लॉन्च हो रही थी तो उसके लॉन्च के थर्ड टाइम पहले जितने भी उनके एम्प्लॉयज थे वो सारे जियो की सिम यूज़ कर रहे थे। वो टेस्ट कर रहे थे कि उसका नेटवर्क कैसा आता है, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी अगर हम एकदम मास स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे। यही रीज़न है कि जियो ने एकदम बम्पर स्टार्टिंग करी, जान के उन्होंने फ्री में सिम्स प्रोवाइड करी, क्योंकि उनको पता था कि जो उनका बैकएंड का काम है वो पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने पहले एक MVP बनाया, अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको अपना प्रोडक्ट दिया कि जाओ इसको टेस्ट करो। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ पापा न्यूज़ का, तो पापा न्यूज़ को लॉन्च करने से पहले साहिल सर ने उनके जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको कहा कि ये लो ये ऐप यूज़ करो और आप बताओ आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही है या इस ऐप को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ही हमें डाटा दो। तो उनके सारे एम्प्लॉयज़ ने उसको यूज़ किया और साहिल सर को कहा कि ये ऐप ऐसी है, इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इंटरनल मार्केटिंग में यही हो रहा है, हम एम्प्लॉयज़ को खुश रख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स दे रहे हैं कि ये डिटेल्स हैं आपको अपने कस्टमर को ऐसे देनी है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूँ, आप कभी भी एप्पल का प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो, आप कभी भी उनसे एफिलिएटेड कोई स्टोर में जाओगे, वहाँ पे जो सेल्समैन होगा उसको मे भी बाकी लैपटॉप्स के बारे में पता हो ना हो पर उसको अपनी मैकबुक के बारे में जरूर पता होगा। एप्पल वालों ने सारे सेल्समैन को ऐसे ट्रेन करा हुआ है कि जो वो मैकबुक बेच रहे हैं सेल्समैन को एकदम फुल इन्फॉर्मेशन है, उसमें कैसा प्रोसेसर है, क्या क्या चीज़ें हैंडल कर सकता है, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन। एक बार क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो अपना लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहे, वो मैकबुक यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा यार अगर माइक्रोसॉफ्ट के CEO को नहीं ट्रस्ट अपने लैपटॉप के ऊपर तो हम क्यों विंडोज का लैपटॉप बाय करें, हम भी फिर मैकबुक ही बाय करते हैं। कि अगर CEO को लग रहा है कि नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट बेकार है, मैंने दूसरी कंपनी का यूज़ करना है, तो बंदों को तो यही लगेगा ना इनका प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत बेकार होगा। तो इंटरनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर आपके एम्प्लॉयज ही आपका प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे तो दूसरे कैसे ट्रस्ट करेंगे। हलवाई अगर अपना ही नहीं खाना खा रहा तो भाई दूसरों को क्या बेचेगा, वो उसकी शॉप तो ख़त्म होनी है ना फिर। तो इंटरनल मार्केटिंग हम जब भी कर रहे हैं हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में पता हो, एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी से बहुत ज़्यादा खुश हो, उनको हमारी विजन एकदम क्लियर होनी चाहिए, एंड साथ में हम अपने प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं जिससे बाद में वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आगे रेफर कर सके। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।